बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में एनआईए की कार्रवाई जारी है। श्रीनगर में आज भी एनआईए ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है। आतंकी बासित रेशी की संपत्ति अटैच की गई। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है बासित। कल मुश्ताक जरगर की संपत्ति कुर्क की गई थी। तो न सिर्फ आतंकियों को ढेर किया जा रहा है बल्कि उनकी संपत्ति भी अटैच की जा रही है, कुर्क की जा रही है। एनआईए की ओर से लगातार आतंकियों की घेराबंदी मजबूत की जा रही है। पहले उनकी फंडिंग का सोर्स ध्वस्त किया गया, फंडिंग रोकी गई, उसके बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया और अब आतंकियों की संपत्ति भी कुर्क की जा रही है। यानी जो कानून के खिलाफ हथियार उठाएगा उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। कल एनआईए ने श्रीनगर में मुश्ताक जरगर की संपत्ति कुर्क की थी। आज हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बासित रेशी की संपत्ति अटैच की गई है। दुर्दांत अपराधी, बड़े आतंकी जिनकी संपत्तियां अटैच की जा रही है। एक चीज साफ है कि कानून के खिलाफ जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। कश्मीर में दहशतगर्दी अब आखिरी दौर में है। हालांकि अभी भी आतंकी गाहे बगाहे टारगेट किलिंग को अंजाम जरूर देते हैं लेकिन बड़ी आतंकी वारदातें पूरी तरह से थमी हैं। आतंकियों में बड़ा खौफ है, न सिर्फ सुरक्षा बलों की गोली का बल्कि एनआईए की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है, उनकी फंडिंग रोकी जा रही है, इसकी वजह से भी आतंकवाद कमजोर पड़ा है।